स्कूल के बच्चों को नशेड़ी बनाने का काम करने वाली एक महिला को एमएचबी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गई महिला का नाम है बिल्किस खान, जिसकी उम्र 52 वर्ष बताई जा रही है। इस महिला के घर से छापेमारी कर 235 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये महिला स्कूल के बच्चों से नशा बेचती थी, उन्हें नशेड़ी बनाती थी। दहिसर, बोरेवली, कांदेवली के अन्य इलाकों में जो स्कूल हैं उनके आसपास ये महिला स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नशा बेचा करती थी। पुलिस ने बताया है कि बच्चों को नशेड़ी बनाने वाली इस महिला को एमएचबी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस महिला की काफी दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन ये महिला अब पुलिस की गिरफ्त में आई है। इस महिला के घर छापेमारी करके पुलिस ने इसके घर से 235 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया है। एमएचबी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर कुडालकर ने इस मामले में क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। एमएचबी पुलिस स्टेशन में 21 सितंबर को शिवाजी नगर एरिया में बोरोली वेस्ट में वहाँ के एक शाखा प्रमुख ने हमें फ़ोन किया कि सेंट फ्रांसिस स्कूल के आजू बाजू की जो स्टूडेंट है उन्हें एक औरत ड्रग्स बेच रही है। तो इमीडिएट हमारे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के पीएसआई सिद्धे, घुगे और हीरे, उन्होंने वहाँ जाके इंक्वायरी की तो वहाँ एक लेडी मिली, उसका नाम है बिल्किस रहीम शेख। उसको लेडीज़ कॉन्स्टेबल के सहायता से उसको हमने कस्टडी में लिया और उसके बाद उसके पास पूछताछ करने के बाद उसके पास 235 ग्राम गांजा मिला। और कई तरह के मामले पहले दर्ज महिला के ऊपर? ये महिला दहिसर, बोरावली और कांदिवली एरिया में गांजा बिकने का काम करती है और ये महिला स्कूल को टारगेट करती है। मैं छोटे छोटे बच्चे जो 14-15 साल के लड़के हैं उन्हें टारगेट करने की करती है। तो और ये महिला को हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे और आखिर में वो हमारी कस्टडी में आ गई है। उसका रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं और ये माल कहाँ से लेके आती है, उसका मेन सप्लायर कौन है, उसकी भी इंक्वायरी हम कर रहे हैं। नहीं, हम वो अभी उसका स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करके उसने कहाँ कहाँ तक ये ड्रग बेचा है उसकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं।